स्वागत है आपका 24 का चक्र वो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अब बात सबसे पहले करेंगे दूसरे चरण में थमे चुनाव प्रचार। तो बता दें आपको दूसरे चरण के मतदान होने हैं 26 तारीख को और उससे पहले लगातार तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है अपने अपने कैंडिडेट के लिए उन सीटों पर जहां पर मतदान होना है। आपको बता दें दूसरे चरण में 8 सीटों पे मतदान होना है और उसी को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार रैलियां भी कर रही थी, लगातार जनसभाएं भी कर रही थी और आज शाम ये चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। चुनावी अखाड़े में लगा खूब जोर। छब्बीस अप्रैल को दूसरे चरण का दंगल। यूपी की 8 सीटों पर किसका मंगल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है, इसे लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ था, इस बार भी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। दूसरे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाला है उसमें अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा की सीट शामिल है। इसके अलावा बागपत, बुलंदशहर और मेरठ में भी दूसरे चरण का मुकाबला होना है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार के बनने का दावा किया है। एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। जिन 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, 2019 में उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। एक सीट अमरोहा बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार पश्चिमी यूपी में पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल का बीजेपी के साथ गठबंधन है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं यूपी की किन 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है वो आपको बता देते हैं फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए सबसे पहले मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में दूसरे चरण में मत पड़ना है, पश्चिमी यूपी की हॉट सीट है जहां पर लगातार चुनावी रैलियां भी हुई, प्रधानमंत्री भी यहीं से शुरुआत की तो इसलिए हॉट सीट है। इसके अलावा मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में भी दूसरे चरण में ही मत पड़ना है। इसके साथ ही अलीगढ़, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये वो सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी यानी कि जनता अपना वोट कास्ट करेगी। इसके साथ ही बागपत, बुलंदशहर ये वो 8 सीटें हमने आपको बताई हैं ग्राफिक्स के जरिए जहां जहां पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी दूसरे चरण में, क्योंकि पहला चरण निपट चुका है, दूसरा चरण 26 तारीख को है, ऐसे में दूसरे चरण में यहां पर से जनता अपने वोट जो है वो कास्ट करने वाली है। बहरहाल किस किस सीट पर किस किस के बीच मुकाबला है अब ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बताते हैं कहां कहां पर से किस कौन कौन दावेदार जो है वो उतारे गए हैं पार्टियों की तरफ से। तो सबसे पहले बात हम करते हैं यहां पर मेरठ की। मेरठ सीट की बात की जाए तो अरुण गोविल को यहां पर से चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, जो कि टेलीविजन के राम है जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा सुनीता वर्मा है जो कि समाजवादी पार्टी से यहां पर कैंडिडेट बनाई गई है। साथ ही साथ बीएसपी की अगर बात की जाए तो देवव्रत त्यागी है जिनको यहां पर से कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये मेरठ सीट की बात हम कर रहे थे बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे चरण के दंगल में दूसरी सीट की, अमरोहा से आपको बता दें कौन कौन यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुंवर सिंह तंवर है जो कि बीजेपी से मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा दानिश अली है जो कि कांग्रेस से मैदान में उतारे गए हैं। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन है जिनका बीएसपी से यहां पर
टिकट हुआ है, यानी कि बीएसपी से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात मथुरा की करते हैं, जहां पर से हेमा मालिनी बीजेपी की एक बार फिर से कैंडिडेट बनाई गई है। जीत का दावा भी वो लगातार कर रही है कि वो जीत जो है हासिल करेंगी यहाँ पर से। इसके साथ ही आपको बता दें, मुकेश धनकर है जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी यहाँ पर बनाए गए हैं, सुरेश सिंह है जिनको बीएसपी से टिकट यहाँ पर मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बागपत की। राजकुमार सांगवान है जिनको आरएलडी से यहाँ पर टिकट मिला है, इसके अलावा मनोज चौधरी है समाजवादी पार्टी से यहाँ पर इनको टिकट मिला है, साथ ही साथ प्रवीण बैसला है जिनको बीएसपी ने यहाँ पर अपना टिकट दिया, यानी कि अपना कैंडिडेट बनाया है। अब बढ़ते हैं आगे और मथुरा की बात हम कर लेते हैं। आपको ये बता दें, मथुरा से हम बात करें तो हेमा मालिनी जो कि बीजेपी से लड़ रही हैं चुनाव, मुकेश धनकर कांग्रेस से, सुरेश सिंह बीएसपी से यहां पर कैंडिडेट बनाए गए हैं। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, गाजियाबाद की बात की जाए तो अतुल गर्ग हैं जिनको बीजेपी से टिकट मिला है, इसके अलावा डॉली शर्मा है जो कि कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ेंगी, वहीं नंद किशोर पुंडीर है जो कि बीएसपी से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, जहां पर से महेश शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, लगातार चुनाव प्रचार अभियान उनके लिए भी किया गया है। डॉक्टर महेंद्र नागर है जिनको समाजवादी पार्टी ने यहां पर से उतारा है। आपको बता दें कंफ्यूजन किस से समाजवादी पार्टी के लिए लगातार यहां पर बनी थी, पहले दूसरा कैंडिडेट उतारा गया था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, फिर पहला कैंडिडेट जो है वही रिपीट किया गया। राजेंद्र सिंह सोलंकी है जिनको बीएसपी से यहां पर से उतारा गया है। वहीं बुलंदशहर की बात की जाए तो डॉक्टर भोला सिंह है जिनको बीजेपी ने यहां पर से प्रत्याशी बनाया है, इसके साथ शिवराम वाल्मीकि है कांग्रेस से यहां पर उनको टिकट दिया गया है। वहीं गिरीश चंद जाटव है जिनको बीएसपी से यहां पर से टिकट मिला है। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, सतीश गौतम है बीजेपी के जिनको टिकट यहां पर से दिया गया, जो कि कैंडिडेट है यहां पर से। बिजेन सिंह है समाजवादी पार्टी से, हितेंद्र उपाध्याय बंटी है बीएसपी से जिनको यहां पर से टिकट मिला है। तो ये वो हम आपको कैंडिडेट बता रहे हैं जो इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि यहां पर से प्रत्याशी बनाए गए हैं पार्टियों की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों के मुद्दे के बारे में, जिनको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। तो देखिए, अमरोहा लोकसभा सीट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चर्चाएं यहाँ पर हुई, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर है जिनको लेकर जनता वोट भी कर सकती है। विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था यहाँ के अहम मुद्दे हैं। अब गौतम नगर की बात करते हैं, रोजगार यहाँ पर मुद्दा है, इसके अलावा खेती किसानी रजिस्ट्री कानून व्यवस्था, ये मुद्दे यहाँ की इस सीट के हैं। गाजियाबाद चलते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक जाम की समस्या जो है उससे लोगों को जूझना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। इसके अलावा प्रदूषण, रोजगार, यहाँ पर ये मुद्दे भी हैं। साथ ही साथ अलीगढ़ की अब बात करेंगे, जहाँ पर बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर भी है और विकास जो है उसकी समस्या यहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये मुद्दे बहरहाल रहने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मुद्दे जो है वो है। बहरहाल दूसरे चरण की 8 सीटों के मुद्दों को आपने जान लिया, अब आपको इन सीटों के पिछले नतीजे यानी कि 2019 के परिणाम के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। हालांकि ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट है, कौन से मुद्दे हैं, ये तमाम चीजें हम बता रहे हैं। बहरहाल हम